हाय गाइज़ आई एम आल्विका एंड आई वेलकम यू ऑल यूट्यूब चैनल सो आज हम लोग चैप्टर फोर पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द मार्किट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन कि मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होती है वो कैसे वर्क करती है सो so, जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं वो देखते हैं मार्केट की हम लोग स्टडी करते हैं एक इकोनॉमिकपेक्टिव से बट एज वे आर स्टडिंग दिस चैप्टर इन सोशोलॉजी तो हम मार्केट का इसमें देखेंगे सोशल परस्पेक्टिव However, society सोसाइटी एंड are आर But बट इस चैप्टर में हम उसका सिर्फ सोशल परस्पेक्टिव ध्यान में रखेंगे सो so, 4.1 पॉइंट वन क्या बात करता हैं फोर पॉइंट वन टॉक्स अबाउट सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑन द मार्केट एंड द इकॉनमी सो इसमें यह बोलता है कि इकोनॉमिक्स में जब हम मार्केट को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो कैसे वर्क करती है और कैपिटलिस्टिक कैसे वर्क करती है या इसमें हम ये भी देखते हैं कि कैसे प्राइजेस डिटरमाइंड होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू और क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स को अब आगे फर्दर बोलते हैं कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है इनको हम एटीन सेंचुरी में क्या बोलते थे पॉलिटिकल इकोनॉमी और ऐसे ही हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ जिन्होंने बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस इसमें ये बोलते थे कि इंडिविजुअल जो है वो कुछ एक्सचेंजेस करता है कुछ ट्रांजेक्शन्स करता है जिससे कि एक सिस्टम बिल्ड इन हो जाता है हाउ एवर इंडिविजुअल ये सोच के एक्सचेंजेस और ट्रांजेक्शन नहीं करता है कि वो एक सिस्टम बनाए वो अपने हिसाब से अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से एक्सचेंजेस और ट्रांजेक्शन करता है जिससे वो सिस्टम ऑटोमेटिकली बिल्डिन हो जाता है बट ये सिस्टम जो है ये इंटेंडेड नहीं होता है ये बोलता है इसका मतलब ये है कि अगर एक ह्यूमन अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा तो जो हमारा सोसाइटियल इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा जस्ट इमेजिन एक इंसान है वो मार्केट में डिमांड करता है ग्रेन्स की एंड मार्केट से वो ग्रेन्स जब लेता है तो इन रिटर्न वो पैसे देगा सो so अब ये पैसे जो देगा ये फर्दर किसी और चीज़ की डिमांड करेगा सेलर वो किसी और चीज़ का बायर बनेगा और ऐसे ये साइकिल चलता रहता है तो हमें पता चलता है कि ये पहले तो ये सिर्फ अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख रहा है अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा सुग्रेन है है कि की नीड क्योंकि उसको खाना खाना बट इन रिटर्न ये एक सोसाइटियल इंटरेस्ट भी फुलफिल कर रहा है ओके okay? सो so, पहला कॉन्सेप्ट आ गया एंड सेकेंडली एडम स्मिथ बोलते हैं कि जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई होती है ये एक अनफोर्स अनफोर सीन फोर्स होती है एक जिसको हम बोलते हैं द इनडिजल हैंड और जो ये अनसिन फोर्स होती है ये क्या करता है डिमांड और सप्लाई को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है अगर थोड़े से टाइम के लिए डिस्टर्बशंस आती है तो वो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली एक इंडिविजुअल हैंड होता है जो अनसिन फोर्स होती है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके डिमांड एंड सप्लाई को फिर से एक स्टेबल मार्केट ले आती है ये बोलते हैं एडम स्मिथ और इसलिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया लेजेस फेयर का इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना मार्केट में क्योंकि अगर वो इंटरफेयर करेगी तो मार्केट स्टेबल नहीं हो पाएगी एज आई टोल्ड यू अर कि एक इंडिविजुअल हैंड है जो डिमांड और सप्लाई को स्टेबल स्टेबिलिटी में रखता है तो इसलिए मार्केट को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए अगर हम लेजर्स फेयर का लिटरल मीनिंग देखें दैट इज़ लीव अलोन और लेट इट बी बट ये चीज़ गलत साबित हुई जब हमारा ग्रेट डिप्रेशन आया नाइनटीन में और देन वी रियलाइज कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा वो कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेगी ताकि वो मार्केट में फिर से पैसा फ्लो हो और ये सारी चीज़ें मार्केट जो है वो वापस स्टेबल हो जाए तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करना इज नेसरी वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे ज्यादा उसको इंटरवेंशन करना कहाँ पे कम बट इंटरवेंशन इज नेसेसरी आगे हम नेक्स्ट में देखते हैं अ वीकली ट्राइबल मार्केट इन धोराई विलेज बस्तर छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट का एक गाँव है जिसका नाम है धोरा इसमें क्या लगता है वीकली ट्राइबल मार्केट लगता है अब हम उस चीज़ को देखेंगे तो सबसे पहले इस ट्राइबल मार्केट को क्या बोलते हैं वीकली हाट ये मोस्टली रूरल एरियाज में होती है बट ये कुछ कुछ अर्बन एरियाज में भी होती है जहाँ पे आदिवासी रहते हैं और इन एरियाज में स्पेशली क्या होता है कि रोड्स की फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होती है कम्युनिकेशन पोर होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हो नहीं रखी होती है और जो ये वीकली हार्ट होते हैं ये ऐसी मार्केट्स होती हैं जहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज होता है और सोशल इंटरकोर्स होता है जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और जो सोशल इंट्रेक्शन इनका सोशल इंटरकोर्स है ये हम इस स्टेड में देखेंगे जैसे कि कोई अपने रिश्तेदारों को मिलने भी उन वीकली मार्केट्स में जाता है वहाँ पर अरेंज मैरिज भी सेटल हो जाती हैं और वो अपनी गॉसिप्स भी एक्सचेंज करते रहते हैं वहाँ पे और भी बहुत सारे कारण कारण होते हैं वहाँ पर कि वो मार्केट में जाते हैं सिर्फ ख़रीदारी करने नहीं चाहते और जो खरीदारी करने जाते हैं उसको वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और वो जो सोशल इंट्रैक्शन करने जाते हैं वो हम सोसाइटी का पार्ट देखते हैं सोशोलॉजी का पार्ट देखते हैं अब इस डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए बस्तर डिस्ट्रिक्ट की तो इसमें क्या है गोंड्स बहुत ज़्यादा है गोंड्स के एक ट्राइबल ग्रुप है देन हम देखते हैं जो लोकल मार्केट्स है ये फर्दर लिंक् है वाइडर मार्केट से अब जैसे कि उन्होंने मार्केट सेटअप किए हैं अब वहाँ पे मार्केट सेटअप हुई है तो आउटसाइडर्स तो आएंगे कुछ खरीदने आएंगे कुछ बेचने आएंगे फिर आउटसाइडर्स आएंगे तब तो आउटसाइडर्स के आने से क्या हो रहा है इम्प्रूवमेंट हो रही है आदिवासियों की पर ऑन द सेम हैंड क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को अपनी ज़मीन खोनी पड़ रही है आउटसाइडर्स को देनी पड़ रही है और जो लेआउट है मार्केट का वो भी एक हायरारिकल ऑर्डर में है जो लेआउट है मार्केट का वो भी एक हायरिकल ऑर्डर में है कैसे जस्ट इमेजिन ये मार्केट का एरिया तो इसका जो सेंट्रल जोन है यहाँ पे कौन होंगे यहाँ पे कौन अपना सामान बेचेगा राजपूत जो बेसिकली जॉयर्स वगैरह भी होते थे मोस्टली यहाँ पे राजपूत बेच के क्योंकि इनका जो रैंक है सोसाइटी में वो हाई है बेसिकली इनका सोशल स्टेटस हाई है इनका कास्ट हाई है इनका क्लास हाई है और कौन बेचेगा सेंट्रल जोन में और यहाँ पे बेचेंगे जो लोकल हिंदू ट्रेडर्स होंगे और जिनका कहीं ना कहीं मिडिल रैंक होगा लोअर रैंक के नहीं होंगे ये मिडल रैंक होगा इनका और जो इसके आउटर सर्कल्स हैं यहाँ यहाँ पे यहाँ पे क्या होंगे ट्राइबल सेलर्स जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब बेचेंगे या फिर कुछ लोकल वेयर्स होंगे गॉट इट? सो ये मार्केट का सेटअप बताता है एक हरकल ऑर्डर में ही होता है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कास्ट बेस्ड मार्केट्स एंड ट्रेडिंग नेटवर्क्स इन प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल इंडिया कॉलोनियल इंडिया और प्री कॉलोनियल इंडिया में कैसे हमारी ट्रेडिंग होती थी और कैसे कास्ट बेस्ड मार्केट सेटअप होती थी तो so, सबसे पहले देखते थे कॉलोनियलिज्म के पहले क्या होता था इंडिया सेल्फ सफ़िशिएंट था मतलब इंडिया एक्सपोर्ट तो कर ही रहा था पर तो उसको इम्पोर्ट करने की इतनी नीड नहीं थी क्योंकि वो खुद से ही अपने फाइनल गुड्स मैनुफैक्चर कर रहा था और हम लोग देखते हैं कि बाटर सिस्टम था मतलब मनी जो है वो बहुत कम यूज़ होता होता था और जो मैंने यूज़ होता भी था लैंड रिवेन्यू देने के लिए किंग्स वगैरह का मेडिवल पीरियड में अगर हम बात करें तो वो कॉइंस के फॉर्म में होता था वो मॉडर्न करेंसी नहीं थी जैसे कि नोट्स वगैरह नहीं थे तो वो गोल्ड कॉइंस सिल्वर कॉइंस कॉपर कॉइंस ऐसे पैसे होते थे उस टाइम पर और अगर हम बात करें कॉलोनियलिज्म के बाद की तो कॉलोनियलिज्म के बाद में क्या होता है कि इंडिया बिकेम अ अमेरली एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स कि इंडिया क्या होता है इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लगता है और इन रिटर्न वो फाइनल गुड्स इम्पोर्ट करता है ताकि जो ब्रिटेन है उसको फायदा हो कैसे जिससे कि ये इंडिया ये इंडिया और ये ब्रिटेन है राइट right. सो so, वो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके ब्रिटेन में लेके जा रहे थे और ब्रिटेन में फाइनल गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही थी इंडस्ट्रीज के थ्रू या कुछ भी पर वहाँ से फाइनल गुड्स मैनुफैक्चर हो रही थी एंड देन ये लोग इससे फाइनल गुड्स का ट्रेड अपनी कॉलोनीस में करते थे जैसे कि इनकी एक कॉलोनी इंडिया भी थी तो ये फाइनल गुड्स यहाँ पे बेचते थे इसलिए जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट तो कर रहा था रॉ मटेरियल बट इम्पोर्ट क्या कर रहा था फाइनल गुड्स वो खुद से मैनुफेक्चर नहीं कर रहा था देन मोनीटाइजेशन बहुत हुआ कि हर चीज़ करेंसी के फॉर्म एक्सचेंज होना शुरू हो गई देन हम लोग देखते हैं कि प्री कॉलोनियल पीरियड में क्या था चेंजेस इतने जल्दी और इतने इजिली हो नहीं पाते थे और अगर हम देखें कि जो स्मॉल विलेज मार्केट्स है ये कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेटेड थी वाइडर मार्केट्स में प्री कॉलोनियल पीरियड में भी बट कॉलोनियलिज्म के आने से ये ज़्यादा हो गया ओके okay? देन हम देखते हैं जजमानी सिस्टम जजमानी सिस्टम क्या होता है कि जस्ट इमेजिन लोअर कास्ट और अपर कास्ट सो लोअर कास्ट अपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करती थी अपर कास्ट को एंड अपर कास्ट इन रिटर्न उनको पे करते थे इन फॉर्म ऑफ काइंड्स मतलब उनको अनाज दे दिया उनको कपड़े दे दिए बेसिकली बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड कर देते थे अब जो इंडिया है इंडिया एक्सपोर्ट तो करता था ये हमने देखा पर वो मोस्टली किस चीज़ में एक्सपोर्ट करता था हैंडलूम क्लोथ्स और स्पाइसी जो कि बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड थी स्पाइसिस की यूरोप में इंडियन स्पाइसिस की आगे हम देखते हैं कि प्री कॉलोनियल इंडिया में भी वेल ऑर्गेनाइज ट्रेडिंग सिस्टम था मतलब वहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स थे ट्रेडिंग नेटवर्क्स थे बैंकिंग सिस्टम थे और जो बैंकिंग सिस्टम थे ये ट्रेड सिर्फ इंडिया में नहीं देखते थे बल्कि ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी जो ट्रेड हो रहा है इंडिया का यही बैंकिंग सिस्टम उनको हैंडल करते थे अब जो ट्रेडिंग हो रही थी वो कम्यूनिटी से और कास्ट बेस्ड होती थी और उनका अपना एक बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम होता था और जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था उनका एक्सचेंज का डैट वॉज हु जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज ये हम एक प्रोमिसरी नोट भी बोल सकते हैं जैसे कि इमेजिन ये पर्सन ए है मतलब तो ये पर्सन है जो ए रीजन में रह रहा है लेट्स पोज इसका नाम अमन है राइट अब ये रीजन बी है ये बहुत दूर है और यहाँ पे एक पर्सन रह रहा है अमित सो so, ये इसको जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ओ सॉरी आई मीन गुड्स प्रोवाइड करेगा तो ये जो अमित है ये इसको एक हुडी इशू करी दे देगा दे दे एक हुडी इशू कर देगा जो एक काइंड ऑफ प्रोमिसन नोट होगा कि ये इसको पैसे दे देगा दे इट सो so, अब ये हुंडी इशू करने के लिए और हुंडी बस प्रोमिसरी नोट पे ट्रस्ट करने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ ट्रस्ट होना चाहिए नेक्स्ट पर्सन पे इसलिए मोस्टली किनशिप नेटवर्क्स में होता था मतलब खुद के रिश्तेदारों में होता था मोस्टली कहीं ना कहीं हो रिश्तेदार होंगे तो उन उनपे ट्रस्ट ज्यादा रहता है तो इसलिए ये किनशिप नेटवर्क चलता था जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग के लिए यूज होता था और ये आप याद रखना क्या होता है उसको क्या बोलते थे प्रोमिसरी नोट को हुडी अब नेक्स्ट हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि हमने कॉलोनियल पीरियड में स्टडी की थी एक तमिलनाडु में एक जगह के दैट इज नटो कोटाई जिसको हम क्या बोलते हैं नकटर्स ऑफ तमिलनाडु सो so, ये बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे जो अपने ही ये लोग सोशल स्ट्रक्चर्स के बीच में करते थे जैसे कि अपने ही कास्ट में अपनी ही किनशिप में और इनके जो बैंक थे वो भी इनकी जॉइंट फैमिली ही ऑपरेट कर रही थी और जैसे कि इनके जो कास्ट बेस्ट सोशल नेटवर्क थे वो आउट ऑफ इंडिया भी थे जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में थे सीलोन में थे सीलोन इज नथिंग बट श्रीलंका तो इनका ट्रेड भी यहाँ तक होता था अब इससे क्या हुआ कि उनका प्रॉफिट होने लगा उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने लगा तो इट गेव इंडिजीनियस कैपिटलिज्म कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ज्यादा हो गए अब इस एग्जाम्पल से हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए क्या प्री कॉलोनियल पीरियड में भी एग्जिस्ट करता था आई मीन कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करता था और अगर वो एग्जिस्ट करता था तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था ओके सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केट्स सो इसमें ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज के बारे में बताया गया जैसे कि अगर हम देखें पुराने टाइम में अगर हम स्पेशली वैदिक एज की बात करें तो जो ट्रेडिंग प्रैक्टिस है ये मोस्टली कौन करती थी वैश्या वर्णा के लोग करते थे ये हम लाइक एंशियन टाइम की बात करें फिर मेडिवल टाइम तक आते आते कुछ अदर्स कम्युनिटीज भी थी कम्युनिटीज थी जो ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस करना शुरू हो गई थी जैसे कि पार्सिस सिंधिस बोहराज और जैंस अब ऐसा नहीं था कि ट्रेड सिर्फ हायर कास्ट के लोग कर सकते हैं हमने कॉलोनियल पीरियड में देखा कि जो सॉल्ट का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था ये कौन हैंडल करता था मार्शनलाइज ट्राइबल ग्रुप जिनको हम बंजारास भी बोलते हैं अब इन सब से क्या हुआ कास्ट पे स्पेशलाइजेशन आ गई ट्रेड एंड कॉमर्स में थ्रू कास्ट एंड किन्शन अब फर्दर जो हम चीज़ देखेंगे दैट इज़ कोलोनलिज़म एंड एमरज ऑफ़ न्यू मार्केट और इसमें हम बात करते हैं मारवारीस की हमने कॉलोनील पीरियड में ये देखा जो मारवारिश थे ये सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटी कम्यूनिटी हो के आते हैं क्योंकि इनको जो एडवांटेजेस मिल रहे थे इन्होंने उनको ग्रैप किया और उनको एक न्यू अपॉरचुनिटी की तरह देखा और ये ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के लिए जो कॉलोनील सिटीज हैं कलकत्ता जैसे कि वहाँ पे जाके अपना ट्रेड करने लगे और धीरे धीरे दे सेटल्ड थ्रू आउट द इंडिया बाय जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ ट्रेड एंड कॉमर्स इसलिए अगर हम लेट कॉलोनियल पीरियड में देखते हैं और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस देखते हैं तो जो ये सेम मारवाड़ी फैमिलीज थी उनमें से कुछ फैमिलीज ने क्या किया खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया मॉडर्न इंडस्ट्रियल में इसलिए आज भी अगर हम इंडियाज की इंडस्ट्री इंडिया की, की बात करें इंडिया की इंडस्ट्रीज की बात अगर हम करते हैं तो माद का कंट्रोल उन पर ज़्यादा है बाकी कम्युनिटीज़ के कंपैरिज़न में